घर में अगर अचानक दिख जाएंगे पक्षी तो होंगे मालामाल। नमस्कार दोस्तों, रोचक जानकारी में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ कि अगर आपको अपने घर में इनमें से कोई भी पक्षी दिखता है तो आपके घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। हर कोई यही चाहता है कि उसके घर में सुख समृद्धि का वास हो। अपने घरों में खुशियों के लिए हम कई धार्मिक कार्य भी करवाते हैं। यही नहीं, हम वास्तु शास्त्र में बताए गए सारे नियमों का पालन करने की भी कोशिश करते हैं। घर की सुख शांति के लिए हम प्रतिदिन भगवान की पूजा पाठ भी करते हैं। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा के साथ साथ उनके वाहनों का भी पूजा करने का नियम है। कई देवी देवताओं का वाहन पशु तो कई पक्षियों की सवारी करते हैं। कार्तिकेय की वाहन मोर है, माँ सरस्वती हंस पर विराजमान है, विष्णु भगवान जी का वाहन गरुण माना गया है और शनि देव का वाहन कौवा है, शिव का वाहन बैल है। माना जाता है कि इन वाहनों की सेवा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार गाय और कुत्ते और पक्षियों को रोटी खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यही नहीं, पक्षी हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी संकेत देते हैं। आइए जानते हैं इन्हीं घटनाओं के बारे में जो हमें पक्षियों के बताए हुए तरीकों से पता चलती हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। माना जाता है कि अगर घर में अचानक तोता आ जाए तो ये धन लाभ होने का संकेत होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में कभी आपने देखा कि कभी भी तोता नहीं आता है लेकिन अचानक आपके घर में तोता आ जाता है तो समझ जाइए कि आपको बहुत ही अच्छा धन लाभ होने वाला है। कहीं से आपको गड़ा हुआ धन मिलने वाला है, कोई रुका हुआ पैसा मिलने वाला है, या कहीं पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया था तो वहाँ से आपको लाभ मिलने वाला है। तो तोते का आना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में कौवा दिखाई दे तो ये किसी मेहमान के आने का संकेत होता है। कौवा हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि कौवा अगर बोल रहा है तो कोई आने वाला है, कोई आने वाला है, तो कौवे का बोलना हमेशा किसी मेहमान के आने का संकेत होता है। उल्लू लक्ष्मी जी का वाहन है। अगर कोई उल्लू घर में या घर के आसपास दिखे तो समझ जाइए कि कुछ शुभ होने वाला है। उल्लू का दिखना बहुत ही शुभ माना जाता है। उल्लू का दिखना जितना शुभ माना जाता है, चमगादड़ का दिखना उतना ही बुरा माना जाता है। अगर आपके घर में चमगादड़ घुस जाती है तो समझिए ये किसी की मौत की सूचना को दर्शाता है। चमगादड़ बहुत ही अशुभ मानी जाती है घर में प्रवेश करनी। आपके घर में अगर चिड़िया ने घोंसला बनाया है तो समझ लो घर के अंदर जल्द ही खुशियाँ आने वाली हैं। इससे घर में आने वाली सारी बाधाएँ टल जाती हैं। अगर आपको दिन में मुर्गे की आवाज़ सुनाई दे तो किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। ऐसी मान्यता है कि टिटरी जब आपको किसी पेड़ पर घोंसला बनाते हुए दिखे तो धरती पर भूकंप आने वाला है, क्योंकि टिटरी कभी भी वृक्ष पर घोंसला नहीं बनाती है, ये ज़मीन पर ही अंडे देती है और ज़मीन पर ही रहती है। अगर सुबह सुबह घर के छत से या घर के बाहर आपको कबूतर दिखे या गुटरगु सुनने को मिले तो ये प्रेम संबंध होने को दर्शाता है। शाम को कबूतर की गुटरगु सुने तो ये घर में चोरी होने और लड़ाई झगड़ा होने का संकेत देता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको ये कुछ ऐसे पक्षियों के बारे में बताया है जिनके आने से आपके घर में खुशियाँ आ सकती हैं, और एक या दो पक्षी ऐसे भी हैं जिनके आपके घर में आने से कलेश और दुख हो सकता है। तो अगर आपको अपने घर में ऐसा कोई भी पक्षी दिखाई दे तो समझ जाइए कि आप धनवान होने वाले हैं, आपके घर में सुख और समृद्धि बढ़ने वाली है। आज का ये वीडियो बस मेरा यहीं तक था। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग रोचक जानकारी। थैंक यू। ओम श्री गणेशाय नमः।